दोस्तों, भारत हाल के कुछ वर्षों में पहले की तुलना में और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। और अगर भारत कभी सैन्य ताकत के मामले में पिछड़ा हुआ भी था, तब भी भारत की पहचान एक सक्षम देश के तौर पर बनी हुई थी। दोस्तों, अभी हाल में कुछ खबरें ऐसी आई हैं, जिसके तहत पाकिस्तान चीन से J-31 फाइटर जेट ले रहा है। और ऐसे में कई एक्सपर्ट्स की भारत को ये सलाह है कि भारत को भी अपने इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में कुछ बेहतरीन और खतरनाक फाइटर जेट्स शामिल करने चाहिए। एक तरह से इनडायरेक्ट वे में भारत के लिए ये कहा जा रहा है कि भारत के पास अच्छे और बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तव में ये बातें बेवजह कही जा रही हैं, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स काफी सक्षम और ताकतवर है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत के पास सुखोई 30 AMKI, राफेल और मिग सीरीज के कई बेहतरीन फाइटर जेट्स हैं। इसके अलावा इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में जल्द ही रूसी स्टेल्थ सुखोई 57 फाइटर जेट शामिल होने वाला है। भारत अपने AMCA और तेजस प्रोग्राम पर भी तेजी से काम कर रहा है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि चीन से पाकिस्तान को मिलने वाले J-31 फाइटर जेट की क्या क्षमता है और क्या भारत अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को जल्द ही खरीदेगा, या फिर भारत के पास और कौन से बेहतरीन फाइटर जेट जल्द ही आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ खबरों के मुताबिक चीन ने अपने J-31 फाइटर जेट की पेशकश पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने की है। और बता दें कि अभी ये चीनी फाइटर जेट ऑपरेशनल भी नहीं हुआ है, और यही वजह है कि इस खबर के आधार पर भारत के लिए ये सवाल उठने लगा है कि क्या भारत को भी अपने लिए अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के बारे में विचार करना चाहिए। दोस्तों, चीन के पास मौजूद J-20 फाइटर जेट कितना खतरनाक और सक्षम है, ये पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में चीन अपने जिस J-31 फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है, वो भी यकीनन एक खतरनाक फाइटर जेट होगा। हालांकि पाकिस्तान एयर फोर्स के बारे में मौजूद चीनी JF-17 फाइटर जेट उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा है, जिससे फाइटर जेट के मामले में चीन के रक्षा उपकरणों की विश्वसनीयता थोड़ी कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश के तमाम हथियारों में से कुछ हथियार उम्मीद के हिसाब से सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में उनके बाकी हथियारों को कम आंकना अपने दुश्मन को कमजोर समझने के बराबर होगा, और भारत ये बात अच्छी तरह से जानता है। इसके साथ ही भारत इस खबर से उठने वाले सवालों को लेकर भी दबाव में नहीं है, क्योंकि भारत को अपनी ताकत का अंदाजा बखूबी है। दोस्तों, बात करें अगर पाकिस्तान को मिलने वाले चीनी J-31 फाइटर जेट की, तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट ASR रडार और कई प्रकार के एयर टू एयर मिसाइल, हाइपरसोनिक एंटी शिपिंग मिसाइल और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों से लैस होगा। इसमें 9 हार्ड पॉइंट और हवा में फ्यूल भरने की क्षमता भी होगी। ये फाइटर जेट कुल भार के साथ 750 किलोमीटर के घेरे में लड़ाई करने में सक्षम होगा। दोस्तों, अभी इस फाइटर जेट के बारे में ज्यादा जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन अगर बात करें इसके ऑपरेशन होने की, तो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये 2035 तक सेवा में आ सकता है। दोस्तों, अगर एक बार के लिए ये मान भी लें कि ये चीनी फाइटर जेट वाकई बेहद खतरनाक फाइटर जेट होने वाला है, तो क्या इससे भारत को किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए, या क्यों इस खबर को इतना तूल दिया जा रहा है? तो बता दें कि इस विषय में कई विशेषज्ञों का ये मानना है कि वास्तव में इस फाइटर जेट को सुर्खियों में लाकर चीन पाकिस्तान के साथ अपनी करीबी को दुनिया के सामने रखना चाहता है। चीन भारत का एक दुश्मन देश है, ऐसे में चीन भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की मदद करके भारत को ये मैसेज देना चाहता है कि वो भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान तक को मजबूत करने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि भारत पर चीन के इस स्टैंड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर बात करें कि क्या भारत अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को खरीदेगा, तो बता दें
कि इस अमेरिकी फाइटर जेट का भारतीय बेड़े में शामिल होने की संभावना फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि अमेरिकी F-35 में संचालन से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे भारत हल करना चाहता है और इसमें भारत को कुछ अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। दूसरी ओर कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इंडियन एयर फोर्स को किसी ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जो राजस्थान के 50 डिग्री टेम्परेचर और पूर्व के अत्यधिक परिस्थितियों में काम करने में सक्षम हो, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अमेरिकी F-35 इन आवश्यकताओं को पूरा करने में शायद ही सक्षम हो पाए। तो दोस्तों, यहाँ साफ कि भारतीय बेड़े में अमेरिकी F-35 के शामिल होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन ये भी सच है कि इंडियन एयर फोर्स की ताकत रूसी सुखोई Su-30 MKI है। इसके अतिरिक्त भारत के पास लेटेस्ट राफेल, MiG-29, Mirage 2000 और जगुआर के बेड़े हैं। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ मिलकर तथा रूस के साथ मिलकर कई और एयरक्राफ्ट भी जल्द ही डेवलप करने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि अब भारत 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को अमेरिका और रूस के साथ मिलकर डेवलप करने वाला है। तो दोस्तों, अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत ऐसे किसी भी तरह खबर के दबाव में आकर कोई भी गैर जरूरी डिसीजन नहीं लेने वाला है। साथ ही भारत को किसी तरह का कोई डर भी नहीं है, क्योंकि इंडियन एयर फोर्स कितनी सक्षम है और कितनी ताकतवर है ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। दोस्तों, भले ही भारत अपने AMCA प्रोजेक्ट में काफी धीमी गति से आगे बढ़ा है, लेकिन हालिया खबरों के मुताबिक भारत अब अपने AMCA प्रोजेक्ट में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिकों ने कई ऐसी तकनीक को भी डेवलप किया है जिसके तहत फाइटर जेट्स को तेजी से भारत में ही डेवलप किया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर भारत अपनी ताकत को लेकर वाकिफ है और भारत को अपने दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की ताकत का भी अंदाजा है। जिस हिसाब से इन खबरों के आधार पर भारत पर दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत की बढ़ती ताकत से चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश बेहद परेशान हैं। क्योंकि दोस्तों, कुछ महीनों पहले ही भारत ने चीन के दुश्मन देश फिलीपींस में अपने ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की थी और उस वक्त चीन की तिलमिलाहट पूरी दुनिया ने देखी थी। इसके अलावा भारत के Agni-5 मिसाइल के परीक्षण की जासूसी एक चीनी जहाज कर रहा था, जिससे साफ समझा जा सकता है कि चीन भारत की बढ़ती ताकत को लेकर चिंतित है। ऐसे में चीन इन खबरों का सहारा लेकर केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई भारत को अपने फाइटर जेट्स के बारे में तेजी से कोई डिसीजन लेना चाहिए, या फिर भारत जिस रफ्तार के साथ फाइटर जेट्स के मामले में आगे बढ़ रहा है वो सही है? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।